हेलो वेलकम दोस्तों, और आज मैं आपको इस वीडियो में यूपी बीएड एडमिशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। जी हाँ, आपके जो 5,000 रुपये फंसे हैं वो क्या रिफ़ंड होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो कब तक होंगे, और जो EWS कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन होगा या नहीं और कब तक होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि जो हमारा 5,000 रुपये है वो रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको यूपी बीएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी कि प्रवेश नहीं फिश वापसी को भटक रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भटक रहे हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं पूरी खबर, उसके बाद से हम जानेंगे EWS जो है वो एडमिशन क्यों हो रही है देरी, सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। देखिए ये क्या दिया है कि काउंसलिंग में भाग लेने वाले करीब 5,000 अभ्यर्थियों का भी बकाया, तो आप देख सकते हो। और देखिए उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग में भाग लेने वाले करीब 5,000 स्टूडेंट्स का परीक्षा आयोजक MGP रुहेलखंड विश्वविद्यालय पर लाखों रुपए बकाया है। तो आप देख सकते हो लाखों रुपए बकाया है, शुल्क वापसी के लिए स्टूडेंट्स रुपये के चक्कर लगा रहे हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं इस चक्कर में, और उनका फीस जो है 5,000 रुपये वो वापस नहीं हो रहा है, पर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। उधर से कोई भी ऐसा जवाब नहीं आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स वो परेशानी दूर हो सके, पर उन्हें देखिए दूसरी तरफ BV प्रशासन का तर्क है कि प्रक्रिया चल रही है, वो बोल रहे हैं कि अभी प्रक्रिया चल रही है, अधिकतम 15 दिन के अंदर सभी अभ्यर्थियों का शुल्क लौटा दिया जाएगा। तो देखिए वो बोल रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है और 15 दिन के अंदर आपका जो है वो शुल्क लौटा दिया जाएगा, ठीक है। और करीब 6,000 अभ्यर्थियों का जो है वो बोल रहे हैं कि लौटा दिया गया है, तो देखते हैं कि क्या करते हैं। खबर तो यही है, ठीक है, और अकाउंट नंबर जो है उसका मिलान अभी चल रहा है, तो आप वेट करो 15 दिन तक। बोल तो रहे कि 15 दिन तक आपका फीस वापस हो जाएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब ये मुद्दा उठाए तो ज़रूर आपके हक में जाएगा, ओके। तो अब हम चलिए जान लेते हैं EWS एडमिशन। तो आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि EWS पर असमंजस बना, तो असमंजस अभी भी है। देखिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, मगर आर्थिक रूप से जो पिछड़े सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, EWS कोटे में प्रवेश पर असमंजस बना हुआ है। तो आप देख सकते हो अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी असमंजस बना हुआ है, और रिव्यू प्रशासन अभी भी साफ तौर पर यह नहीं कह पा रहा है कि प्रवेश जो श्रेणी जो EWS की इस कैटेगरी में आते हैं प्रवेश होंगे या नहीं, मतलब कि जो है प्रशासन ने अभी ना ही नो कहा है और ना ही यस कहा है, अभी भी असमंजस बना हुआ है गाइस, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी नो का भी तो ऑप्शन नहीं आया ना, तो आपको चिंता करने की नहीं है, असमंजस से देखते हैं क्या होता है। तो बस मुझे आपसे भी कोई यही इन्फॉर्मेशन देना था, जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगी। तो फिर मिलता है आपको अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आने से एक लाइक प्लस शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।